मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि से आक्रांताओं का अवैध कब्जा कौन हटाएगा? शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कौन निपटाएगा? अयोध्या में मंदिर का सपना साकार करने वाले क्या मथुरा का भी कायाकल्प कर पाएंगे? क्या तुष्टिकरण गैंग उन्हें रोक पाएगा? 2024 में यूपी की 80 सीटों का संग्राम 80% सनातनियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। उसी से ये तय होगा कि अयोध्या की तरह मथुरा में वो तारीख कब आएगी, मोदी योगी का प्लान क्या है, विरोधी क्यों मथुरा के नाम पर डरे हुए हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व हिंदू कांग्रेस में ये पिक्चर क्यों दिखाई गई? इस तस्वीर में हिंदुओं के लिए मैसेज क्या है? बैंकॉक में 3 दिन तक चले वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में ये दो पिक्चर छाई रहीं। इन दोनों पिक्चरों का भारत के अतीत और भविष्य से गहरा नाता है। अतीत का सबक ये है कि हिंदू जब जब बटे तब तब सनातन पर हमला हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि ज्ञानवापी मथुरा, अयोध्या और भोजशाला जैसे 60,000 हिंदू मंदिर निशाना बने। आक्रांताओं मुगलों के दौर में उन्हें तोड़ा गया, वहां से मूर्तियों को फेंक कर मस्जिदें तामीर कर दी गईं। और भविष्य का सबक ये है कि जब जब हिंदू इकट्ठा हुए, आक्रांताओं और उनकी सोच वाली राजनीति को करारा जवाब दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आक्रांताओं के पाप धोने का काम प्रगति पर है। लेकिन ये काम तभी भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न होगा जब 2024 में भी सनातनी एकजुट रहेंगे और मुट्ठी बंधी रहेगी, वरना क्या होगा? जैसे बैंकॉक के हिंदू सम्मेलन में 450 साल पुरानी ये तस्वीरें दिखाई गईं, फिर 500 साल बाद कोई आएगा और ऐसी ही तस्वीरें दिखाएगा और बताएगा उस वक्त क्या हुआ था, कैसे एक वैभवशाली मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई, जबकि उसके भीतर शिवलिंग और मंदिर के दर्जनों सबूत अब भी मौजूद हैं। दीज आर द पिक्चर्स, दीज आर द एविडेंसेज विच शो दैट दीज आर रूइंस ऑफ अ हिंदू टेम्पल एंड नथिंग हैज बीन डन। लेट मी से हियर विद लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ एडवोकेट कमिश्नर, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द एसआई सर्वे, दिस कॉम्प्लेक्स इज नथिंग। The ruins of a Hindu temple have been converted into a mosque and they are using it as a mosque, which is not the religious character of this place. So suppose, for example, I enter into a mosque and I install an idol there. Can that mosque be termed as a temple? There can be only one answer, that no, it cannot be termed as a temple. In the same way, if you enter into a temple and you offer namaz there, can the characteristics of temple go? There can be only one answer, that no, once a temple, always a temple. So here in Gyanvyapi, nothing more has been done. Our ruins of temple has been used as a mosque. This is the well where we have found Shivlingam. On the right side, if you can see little bottom of this picture, there is the Vazu tank. There we have found Shivlingam during Advocate Commissioner survey on 16th May 2022. 2014 और 2019 में 80% सनातनियों ने मुट्ठी बंधी रखी, तो नतीजा क्या हुआ? 500 साल बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 3 महीने बाद आप अपनी आंखों से बदली हुई अयोध्या देख पाएंगे और सनातन की ताकत पर गर्व कर सकेंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई थमी नहीं है। अयोध्या मिल गया, भगवान राम अपने बाल रूप में विराजने वाले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की धरती में जो पाप औरंगजेब ने किया, उनका मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई, उसकी लड़ाई अभी बाकी है। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? कौन लड़ेगा? क्या तुष्टिकरण गैंग लड़ेगा?
क्या मुगल प्रेमी गैंग लड़ेगा? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। अयोध्या के बाद बीजेपी की एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा मथुरा है। 2024 में चुनावी लड़ाई मथुरा पर लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2024 में यूपी की 80 सीटें तय करेंगी मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक बनाएंगे या नहीं। 80-20 की लड़ाई में बीजेपी 80% वोट को कंसोलिडेटेड करने की कोशिश कर रही है।